और ये रेडर फिर से अपने अपरंगी अंदाज में रेड डालते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेड डालते हुए और ये एक पॉइंट ले लिया बहुत ही। और साथ ही ये ऑल आउट के कगार पर है, इनके सर पे ऑल आउट का खतरा बना रहा है, फिर कई ऑल आउट बचा पाते हैं। थोड़ा सा प्रयास, रेफरी के डिसीजन का इंतजार रहेगा। और ये सभी बच्चे बैठ जाइए, पास में जितने भी घर हैं पीछे वालों को देखना, रोलेक्स से पीछे बैठिए सभी। दस मिनट हुए अंकित रेड पर और ये इस मैच का पहला रेड गोपुर की तरफ से देखने को मिलेगा। पहले रेड के लिए गोपुर के रेड पर पहली रेड खाली रही गोपुर की। अगले रेड के लिए रेडर चल पड़े हैं। दलपतपुर के रेडर रेड पर रेडर ने चूंकि बहुत लाइन पार नहीं किया था इसलिए रेडर को आउट किया गया है। गोपुर के रेडर रेड पर गोपुर की लगातार दो रेस खाली हो चुकी है। तीसरी रेड भी अगर ये खाली डालते हैं तो रेडर स्वतः आउट हो जाएंगे। दो अटाई इनकी अगली रेड होगी। दलपतपुर के रेडर रेड पर गोपुर के रेडर दो अटाई सिचुएशन में, यहाँ पे अगर ये बिना पॉइंट लिए जाते हैं तो ये स्वतः आउट हो जाएंगे। समय धीरे धीरे निकल रहा है और ये एडवांस टैकल की कोशिश सक्सेसफुल, एक पॉइंट मिलता है गोपुर को। दलपतपुर के रेडर फिर से रेड के लिए जाते हुए बोनस की कोशिश, रेफरी का निर्णय इंतजार करने योग्य बात। और साथ ही ऑल आउट के कगार पर है, इनके सर पे ऑल आउट का खतरा बना रहा है, फिर कई ऑल आउट बचा पाते हैं। थोड़ा सा प्रयास, रेफरी के डिसीजन का इंतजार रहेगा। और ये डिफेंडर ने गलती की और ये दलपतपुर के प्लेयर को आखिरी 5 मिनट का खेल बचा हुआ है और गोपुर की टीम 8 पॉइंट से लीड कर रही है। देख रहे हैं कई अपना लीड बरकरार रख पाते हैं। रेडर भी ज्यादा एडवांस नहीं जा रहे हैं और डिफेंडर भी ज्यादा एडवांस जाकर टैकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दोनों टीमें अभी ट्रेप पे खेल रही हैं, लेकिन दलपतपुर का यहाँ से एडवांस गेम दिखाना होगा क्योंकि वे 8 पॉइंट से पीछे हैं और अगर वे अटैकिंग अप्रोच नहीं दिखाते हैं तो संभवतः ये मैच हार जाएंगे। कबड्डी ग्राउंड के पास में बैठे हुए खड़े हुए जितने भी लोग हैं आप सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। काका फड़ा जी, सभी बच्चे बैठ जाइए, पास में जितने भी घर हैं पीछे वालों को देखना, रोलेक्स से पीछे बैठिए सभी। 10 मिनट हुए अंकित रेड पर और ये बहुत ही सुंदर प्रयास था, छोटा टैकल हो सकता था लेकिन रेडर ने चतुराई से अपने पैर निकाला और चोट निकल गया। नेक्स्ट मैच घर से होने वाला है, दोनों टीम से अनुरोध है कि वार्म अप करके देख रहे हैं। फर्स्ट कॉल गर्ल्स टीम, दोनों गर्ल्स टीम जल्द से जल्द वार्म अप करो। ग्राउंड के बाई तरफ दोनों गर्ल्स टीम वार्म अप कर ले, इसके बाद आपका मैच होने वाला है।
फर्स्ट ऑल ऑफ गर्ल्स टीम अंकित फिर से रेड में लास्ट टूर्नामेंट की बोरी आखिर 3 मिनट का खेल बचा हुआ है देखना है दलपतपुर की टीम क्या जबरदस्त कमबैक कर पाएगी और इतना शुरुआत हो चुकी है रेफरी का डिसीजन 2 पॉइंट दलपतपुर के पक्ष में रेडर समय का ध्यान रखें एक निश्चित समय में आपको रेड शुरू करनी होती है और यहाँ से देखने को मिल रहा है कि गोपुर के प्लेयर्स काफी आत्मविश्वास में है और समय को काटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जो कि स्वाभाविक होना भी चाहिए गेम में वे काफी आगे थे और धीरे धीरे अपने पॉइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और गेम को जीतने का कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड के बाईं तरफ में बहुत सारी बाइक लगी हुई है गोपुर और योगी का खाना बड़ा डिफेंडर को सपोर्ट नहीं मिला और एक पॉइंट दलपतपुर 14-19 का स्कोर है 14-19 का स्कोर है और ये शानदार स्केप रूट बनाया था लेकिन स्केप रूट में एकदम क्रैश लैंडिंग हो गई इनका बहुत ही शानदार स्केप रूट बनाया था रेडर ने परंतु इनका क्रैश लैंडिंग हो गया 3 खिलाड़ी बचे हैं गोपुर के खेमे में गोपुर के खेमे में 3 खिलाड़ी बचे हैं दलपतपुर के पास वापसी का बहुत ही शानदार मौका है 15-19 दलपतपुर 15 गोपुर 19 बहुत ही जबरदस्त गेम चलता हुआ गेम कभी भी जीती बहुत शानदार गजब का सुपर टैकल देखने को मिला गजब का सुपर टैकल पागल बात है भाई इतना नीचे बाकी हाल हारी नहीं कौन है पागल 2 पॉइंट सुपर टैकल था चला 2 बार तो आ गया स्टॉप पर इधर आ गया वो बेटा गोपुर के रेडर चालाकी से काम करते हुए अपना पूरा समय ले रहे हैं क्योंकि ये 6 पॉइंट पे आगे हैं और 6 पॉइंट की लीड एक अच्छी लीड मानी जा सकती है कबड्डी के गेम में हालांकि ये 4 प्लेयर्स हैं अब दलपतपुर के पास ऑल आउट के अलावा और कोई चांस नहीं है अगर ये ऑल आउट नहीं दे पाते हैं तो ये मैच संभवतः हार जाएंगे समय का अभाव है और ये जबरदस्त स्केप रूट बनाया था लेकिन उससे भी बड़े हमारे डिफेंडर है गोपुर के बहुत ही शानदार चेन में आके रेडर को अपने रास्ते जाने से रोका और ये रेडर फिर से अपने अपरंगी अंदाज में रेड डालते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेड डालते हुए और ये 1 पॉइंट ले लिया बहुत ही मजाकिया अंदाज में बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हुए इनके खेल को देख के लगता नहीं गंभीरता है लेकिन इनके खेल में काफी प्रभावित किया है हम सबको इस मैच की लाइट रेड और ये फिर से लाइन जंप मारने का प्रयास किया था लेकिन इस बार पकड़े गए पहले मैच की विजेता है गोपुर की टीम जिसने 24-15 एक अच्छे खासे 9 पॉइंट के लीड थे लाइनमैन जितने भी चूना मारे हैं